हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अजय पुंडीर। जैसा कि आपको पता है, हमारे कार्यक्रम में हम खेल जगत से जुड़ी हुई विभिन्न पर्सनालिटीज़ को आपसे मिलवाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनसे मिलवाने से पहले उनके एक वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ और आपको एक मौका देना चाहता हूँ कि आप उनको पहचानें। कुहू गर्ग, स्वागत है कुहू गर्ग आपका हमारे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। थैंक यू मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपके शो में। हमारे दर्शक आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की। तो मैंने बैडमिंटन आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले 2007 में स्टार्ट किया था, और मतलब घर पे ऑलरेडी मुझे काफ़ी स्पोर्ट्स खेलने के लिए इनकरेज बचपन से ही करते थे, भले ही टेनिस हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो। तो एक टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग, जिसमें साइना नेहवाल एज गेस्ट आई थी फाइनल स्टे पे, एंड इवन पारुपल्ली कश्यप उसमें मेन सिंगल्स जीते थे, गोपी सर भी आए थे। तो उस समय उन सब प्लेयर्स से मिलके मुझे थोड़ा और मोटिवेशन हुआ कि मैं भी बैडमिंटन को और अच्छी तरीके से परस्यू करूँ, नॉट जस्ट एज अ हॉबी बट उसमें आगे जीतने के लिए। तो इस तरीके से शुरुआत हुई, एंड ग्रेजुअली उसी साल जैसे मैं स्टेट चैम्पियन बन गई थी तो मुझे उत्तराखंड टीम का हिस्सा होने का मौका मिला सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, जो कि पटना में हुई थी। और वहीं से फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे 2013 में मैंने पहली बार मुझे इंडियन जूनियर टीम में मौका मिला अंडर-19 मिक्स डबल्स में, और इसी तरीके से। तो कुहू, मैं थोड़ा सा और पीछे आना चाहूँगा आपके जर्नी से कि आप कहाँ बॉर्न हुई, एजुकेशन, फिर आप अभी क्या, कौन सी एजुकेशन पे कर रही हैं काम, हाँ जी, तो वो थोड़ा जानना चाहूंगा। मैं एक्चुअली हरिद्वार में बॉर्न हुई, मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनकी काफ़ी कॉन्स्टेंटली इधर पोस्टिंग चेंज होती रहती है, तो हम लोग भी बचपन से शिफ्ट होते रहे हैं। तो मेरी मेन एजुकेशन पहले हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून में क्लास 3rd से क्लास 6th तक पढ़ा है मैंने, एंड क्लास 7th नैनीताल में पढ़ा है, और फिर 8th क्लास में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, जहाँ पे संस्कृति स्कूल में मैंने अपना मेजर चंक ऑफ एजुकेशन संस्कृति स्कूल से किया है 5 साल 8th to 12th। और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन जस्ट फिनिश किया अपना। आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और आपने 94% स्कोर किया था और इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, हाँ जी। तो ये एक नॉर्मल हेवाया कोर्स तो है नहीं कि आप गए, एडमिशन लिया और आपने एग्जाम्स दे दिए, तो इसके लिए एक बैलेंस जरूरी बनाया होगा आपने, हाँ, स्पोर्ट्स और एजुकेशन के बीच में, तो थोड़ा सा उस पर मतलब एक लाइट बताइए कि क्या। एक्चुअली मेरे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उसमें बचपन से ही एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, हमेशा प्रायोरिटी एक एजुकेशन का ही रहा है, बट हमें साथ साथ बहुत इनकरेज स्पोर्ट्स के लिए भी करा है कि साथ साथ खेलो, बट बैडमिंटन मेरा पैशन है। तो हमेशा से घर पे ये कंडीशन रहा है कि जब तक कि तुम्हारी एजुकेशन सफ़र नहीं कर रही है तुम तब तक खेल सकती हो, बट जिस दिन तुम्हारी एजुकेशन सफ़र करेगी उस दिन तुम्हें खेलना छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और बल्कि इसीलिए जैसे 10th में भी मेरा CGPA 10 था CBSE में, उस वक्त हमारा ग्रेड सिस्टम था, तो CGPA 10 था, तो 12th में भी मेरा 94% था, तो ये सब कंडीशंस थी कि अच्छा तुमने अच्छा स्कोर किया अब तुम खेल सकते हो। तो इसीलिए मुझे हमेशा से एजुकेशन का था कि ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं अपनी एजुकेशन मेंटेन कर पा रही हूँ तो मुझे खेलने में कोई वो नहीं है, अड़चन नहीं है, और खेलना मेरा पैशन था तो उसके लिए मैंने हमेशा ही बचपन से अपने आप ही हार्डवर्क करा है, अपने आप ही मेहनत उसके लिए करी है, भले ही सुबह 6 बजे उठ के ट्रेनिंग जाना हो या फिर स्कूल के बाद फिर वापस तुरंत ट्रेनिंग जाना हो, तो वो सब अपने आप ही फिर ऑटोमेटिकली उसके लिए मोटिवेशन आते रहा। बिल्कुल, आपने जो ट्रेनिंग वाली बात कही कि सुबह 6 बजे, थोड़ा सा मैं इस पे आता हूँ कि आप ट्रेनिंग का एक शेड्यूल अपना बताइए, क्या फॉलो करती हैं आप और ये कब से फॉलो कर रही हैं, हाँ, जब से आप एक बैडमिंटन प्रो प्लेयर बनी हैं? हाँ, तो एक्चुअली मेरा मतलब मेजर जो ऐसा ट्रेनिंग में सुबह 6 बजे उठने वगैरह, ये पहली बार मैंने तब किया था जब मैं अल्मोड़ा सेंसर डीके सेंसर के पास ट्रेनिंग करने गई थी, 2008 की बात होगी शायद, 2008 की बात है। तो वहां पे पहली बार मैंने ये भी रियलाइज किया कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को इतनी मेहनत करनी पड़ती है वहां पहाड़ों में, और वो भी सर्दियों में भी सुबह, यू नो, इतनी ठंड में
5:30 6 बजे सर हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाते थे। उसके बाद पहाड़ों पे रनिंग करना या अलग अलग तरीके की बहुत टफ ट्रेनिंग कराते थे, तो तब मुझे पहली बार पता चला। तो मतलब बचपन में तो सर हम लोगों को दिन के 6 घंटा तभी से ट्रेनिंग कराते थे, क्योंकि छुट्टियों में मैं उनके पास चले जाती थी। तो पूरा दिन सिर्फ हमारा ट्रेनिंग करने में, फिजिकल फिटनेस और बैडमिंटन खेलने में ही निकल जाता था। बाकी टाइम हम इतना थक जाते थे कुछ और करने की ताकत नहीं बचती थी। उसके बाद जब धीरे धीरे मैं दिल्ली शिफ्ट हुई 2010 में, तब वहां पे मैंने अपने रेगुलर स्कूलिंग के साथ भी ट्रेनिंग को पहली बार इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे सुबह 6 से 7:30 8 बजे तक मैं ट्रेनिंग करने जाती थी, वहां से डायरेक्टली फिर स्कूल जाना होता था, स्कूल से वापस आके लंच करा, आधे घंटे रेस्ट किया, और फिर मैं वापस 4 बजे मेरा शाम को स्टार्ट हो जाता था 4 से 7। तो दिन का अराउंड 5 घंटे तब भी मैं खेलती थी एंड पूरा दिन ऐसे ही निकलता था। फिर उसके बाद 2014 में मैं गोपीचंद अकेडमी हैदराबाद शिफ्ट हो गई। तो वहाँ पे जब अकेडमी शिफ्ट हुई तब डेफिनेटली ऐसा सब कुछ फिर से एक बार चेंज हुआ, क्योंकि अब स्कूलिंग स्कूल में रेगुलरली अटेंड नहीं कर रही थी। अब सिर्फ फोकस मेरी फिटनेस पे, मेरी ट्रेनिंग पे, और सब कुछ गेम रिलेटेड हो गया था। तो दिन के 3-3 4-4 सेशन भी होते थे कभी कभी, एंड वही सुबह 6 बजे उठना, शाम को सुबह के 2 सेशन, इवनिंग में सेशन, तो ऐसा ही चलते जा रहा था। तो आपने जैसे ट्रेनिंग की बात करी और आप एजुकेशन के साथ साथ, स्कूलिंग के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दे रही थी और दोनों ही जगह बहुत अच्छा कर रही थी, तो जो आपने बैलेंस किया फिर उस आपने एक डाइट भी फॉलो किया होगा, एक आपने स्केड्यूल जो बताया कि मेरा इतना 5-5 6-6 घंटे, तो इसमें डाइट का कितना बड़ा रोल है? जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ में होता है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब तक कि आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आप फिजिकली और इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। आपको इंजरी से बचने के लिए भी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिजिकली इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, एंड्योरेंस गेन करने के लिए, सबके लिए डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले कुछ सालों से मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट सूट करता है, वो चीज़ फिगर आउट करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला जिस न्यूट्रिशनिस्ट ने जो बताया वही चीज़ मुझे सूट कर गई। तो अलग अलग लोगों के पास जाके अलग अलग डाइट प्लान लेके ये अपने आप को खुद हमें ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि क्या चीज़ मुझे सूट करती है, एंड उस तरीके से एक ऐसा एक मिलता है जिसमें जिससे मेरे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर उसको फॉलो करती हूँ। जी, जैसे डाइट की बात भी हो गई, आपके ट्रेनिंग स्केड्यूल की बात भी हो गई, और एक साइकोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होगी किसी प्लेयर के लिए। डेफिनेटली आई थिंक आजकल जितनी जरूरी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, जितना जरूरी हमारा ट्रेनिंग हो गया उतना ही जरूरी डाइट और साइकोलॉजिकल पार्ट दोनों ही उतना जरूरी है। एक इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, एंड एज एन एथलीट आपको हर चीज पे उतना ही इम्पॉर्टेंस, उतना ही फोकस करना पड़ता है कि आपकी सब चीजें बिल्कुल टॉप पे हो। एंड जिस दिन आप फिजिकली मतलब मेंटली अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं है, भले ही आप फिजिकली कितना भी अच्छा खेल रहे हो, परफॉर्म नहीं कर सकते, आप मैच नहीं जीत सकते, तो मेंटल कंडीशन अपनी टॉप में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में आपको जोन में होना, फोकस होना, कोर्ट पे अच्छी फीलिंग आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप जिस दिन कोर्ट में अच्छी फीलिंग में है, अच्छे जोन में है, तो भले ही आप फिजिकली अपने बेस्ट गेम पे होंगे, आप अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रेजेंस अच्छी रहेगी। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि आपने कहा कि जैसे कोई दिन होता है जिस दिन आप फिजिकली फील नहीं कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उस दिन आप मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली अच्छा फील कर रहे हैं, तब भी आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाती है। हाँ, मेंटली आप रहेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं, हर सिचुएशन को अडैप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टूर्नामेंट था जहां आपको ये चीजें फील हुई कि मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है, खास करके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जो जैसे आप बता रही हैं साउथ एशियन गेम्स आपने खेले, रशियन टूर्नामेंट था, इजिप्ट इंटरनेशनल था? नहीं, डेफिनेटली जैसे एक रशिया का ही आपने बोला, हम लोग लागोस से ट्रैवल करके आ रहे थे, ऑलमोस्ट 30 घंटे की फ्लाइट थी हमारी, और इतनी ट्रैवलिंग में बहुत टायरिंग भी होता है क्योंकि, और वो भी हम इतने ज्यादा टाइम जोन डिफरेंस इतना ज्यादा है, तो बहुत टायरिंग था। बट हम मेंटली इतने अच्छे माइंडसेट में थे कि हम बहुत अच्छा खेले, एंड यही नहीं, रशिया में हम फाइनल्स खेले, एंड उसके बिल्कुल अगले दिन हमारा चाइना में वर्ल्ड चैंपियनशिप का पहला राउंड मैच था, हमारी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो हम यहाँ से मैच खेल के रात को निकले, हम सुबह 8 बजे चाइना में लैंड कर रहे हैं, पूरी रात ट्रैवल करके, एंड हमारा शाम को 5 बजे उधर मैच था। तो बहुत ही टायरिंग था, हमें नींद नहीं आई थी, हम वो भी रशिया में भी 3 टफ मैचेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, 3 दिन से टफ मैचेस खेल के हम लोग आ रहे थे, बिल्कुल सो भी नहीं पाए थे। तो फिजिकली हम बहुत थक चुके थे ऑलरेडी, हमारी 2 हफ्ते से पहले लागोस फिर रशिया कंटिन्यूस टूर्नामेंट्स चल रहे थे, बट हम मेंटली इतना
एक्साइटेड थे और इतना हमें मोटिवेशन था कि हम अपनी फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा खेलना है. तो हमने डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट हम फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा खेले. हमने कैनेडियन पेयर को बहुत अच्छे स्कोर्स पे हराया हमने फर्स्ट राउंड. तो डेफिनेटली आई थिंक मेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ. तो वो मैनेज मतलब कर पाते हैं. बात ये कहने की कि अगर आपको एक प्लेयर बनना है तो पहले आपको मेंटली एक प्लेयर बनना है. फिजिकली हाँ. तो आप उस पे काम करेंगे बाद में. हाँ. पहले आपको मेंटली तैयार होना है या श्योर हाँ. होना है कि आपको exactly, एक प्लेयर बनना क्योंकि है. आप फिजिकली कितने भी अच्छे हो हाँ. जिस दिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है आप कोर्ट पे परफॉर्म ही नहीं कर सकते. तो इसी में इसको ही आप मेमोरेबल अपना सबसे खास मोमेंट बताइए जिस दिन आपको ये लगाओ कि हाँ आज मैंने कुछ अचीव किया है या हाँ. तो एक जैसे मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स से जो एक्सपीरियंस था जब मैंने पहली बार इंटरनेशनल प्लेयर्स देखे थे 2010 की बात है. दिल्ली में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हो रही थी और मैं उसमें एक वॉलंटियर थी. तो मैं लाइन जजिंग और ऐसे काम कर रही थी और तब यू नो लिंडन वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक चैंपियन वो भी आया था वहां पे. तौफीक हिदायत था जो 2004 ओलंपिक चैंपियन है. बहुत बड़े बड़े सारे स्टार्स थे एंड उनको देख के मैं बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही ऐसे मेजमराइज सी थी उनको देख के. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था एक दिन मुझे भी इनकी तरह खेलना है. और फिर 2018 में 8 साल बाद मैंने अपनी पहली बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया. तो मेरे लिए वो अपने आप में एक काफी बड़ा अचीवमेंट था कि जिस चीज को देख के मैंने बचपन से जिन्हें एडमायर किया है उन्हीं प्लेयर्स के बीच में उन्हीं के अगेंस्ट अब मैं खेल पा रही हूँ. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. अचीवमेंट जैसे आपने बताया पर्सनैलिटीज के बारे में कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है जब आप बड़े प्लेयर्स को देखते हैं और खास करके जैसे चाइना का इसमें डोमिनेशन है, इंडोनेशिया, मलेशिया. Now, अब इंडिया का डोमिनेशन स्टार्ट हो रहा है. अब इंडिया अच्छा कर रहा है चाहे वो विमेन्स हो या मेन्स हो, हर जगह इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंज हुआ है इन 10 सालों में 15 सालों में जिससे कि ये बदलाव आ चुका है? आई थिंक डेफिनेटली एक तो साइना नेहवाल को इसके लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि जब जिस उससे पहले शायद पुलेला गोपीचंद या प्रकाश पादुकोण टाइम से भी, बट जैसे वो फिर भी आई वुड से मुझसे काफी बड़े प्लेयर्स हैं. मैं उनके बारे में पर्सनली उतना नहीं जानती क्योंकि मैंने उन्हें लाइव नहीं देखा खेलते हुए. बट जैसे अगर हम मेरे टाइम का मैं बोलूं तो जैसे साइना नेहवाल है उस टाइम तक बैडमिंटन में शायद किसी को इतनी ड्रीम्स नहीं थी जब उन्होंने जैसे ओलंपिक में पहला मेडल जीता या वो एक टर्निंग पॉइंट था. वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीते हैं उन्होंने, इतनी सुपर सीरीज टाइटल जीते हैं इतने सारे. तो उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ ये सच्ची में अचीवेबल है. साइना नेहवाल के बाद फिर ज्वाला अश्विनी का डबल्स पेयर, एज अ डबल्स पेयर उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता है. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता हुआ है. कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने 2010 इन सबको लाइव खेलते हुए देखा तो बहुत बहुत मोटिवेटिंग था कि हमारे प्लेयर्स भी इन सब इंटरनेशनल स्टार्स के साथ इतना अच्छा कर सकते हैं एंड कि इंडियंस के लिए भी ये पॉसिबल है. तो इन्होंने डेफिनेटली बहुत होप्स थी और उसके बाद से बहुत प्लेयर्स ने भी पिकअप करा है. बैडमिंटन एसोसिएशन में स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, अब बहुत फॉरेन कोचेस को बुला रहे हैं, डबल्स को भी अब बहुत मोटिवेट कर रहे हैं. डबल्स के लिए उन्होंने स्पेशली बहुत कोचेस अब पिछले रिसेंट ईयर्स में बुलाए हैं. तो काफी उसके लिए अब चेंजेस आ रहे हैं. डेफिनेटली अभी भी बहुत वर्क होने की जरूरत है सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट होने की और सपोर्ट की जरूरत है, बट चीजें बेटर हो रही हैं पहले से. जैसे आपने मेमोरेबल मोमेंट बताया तो एक वर्स्ट मोमेंट भी होगा कोई? हाँ डेफिनेटली बहुत हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस भी है. हाँ, एक दिन आपको ये लगाओ कि नहीं आज अगर मैं थोड़ा ये कर देती तो शायद. मतलब इनमें से ऐसे दो मैचेस हैं जो मेरे माइंड में तुरंत आते हैं. एक है 2016 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हम लोग क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे एंड मैं और मेरा पार्टनर, हम लोगों के पिछले चार दिन से रोज दो दो मैचेस हो रहे थे और मेरे पार्टनर तो मेन डबल्स भी खेल रहा था तो उसके तो दिन के चार मैचेस हो रहे थे. तो क्वार्टर फाइनल आते आते तक हम बहुत टायर्ड थे एंड सुबह पहला ही मैच 9 बजे हमारा था मलेशियन पेयर से और हमारा ड्रॉ भी काफी टफ था. हम फर्स्ट राउंड से, जैसे आपने बोला इंडोनेशिया जापान ये सब अच्छी कंट्रीज हैं, हम फर्स्ट राउंड से इनसे ही खेलते आ रहे थे, मलेशिया इंडोनेशिया जापान. तो काफी टायर्ड थे और अनफॉर्चुनेटली थर्ड गेम में हम 19-21 से हारे हैं. तो लिटरली एक पॉइंट से हमने वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल हारा है जो कि सेमीफाइनल पहुंचते तो हमारा मेडल पक्का था. वो काफी दिनों तक खला हाँ, मतलब उसके बाद 6-6 महीने बाद साल भर बाद तक भी कभी भी याद आता था और रोना आ जाता था कि एक पॉइंट से हमने मेडल मिस कर दिया. इसी तरीके से इवन 2019 लास्ट ईयर के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की बात है और मैंने काफी इसी माइंडसेट से प्रिपेयर किया था कि इस बार मुझे नेशनल चैंपियनशिप जीतनी है, मैं अच्छा खेल रही और मैं जीत सकती हूँ. और फाइनल्स में हम लोग पहला गेम जीते, सेकंड गेम लीड करके हारे और थर्ड गेम भी लीड करके हारे. तो वो भी मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि ऐसे बिल्कुल हाथों से निकल गया वो मैच जिसके लिए हमने इतना प्रिपेयर किया, इतनी मेहनत करी जी. और अच्छा भी खेला उस दिन, बहुत अच्छा. आपके डबल्स मिक्स डबल्स में पार्टनर्स कौन है?
पहले मैं रोहन कपूर के साथ खेल रही थी, उनके साथ मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 34 तक जा चुकी है। फिर उसके बाद लास्ट ईयर नेशनल चैंपियनशिप के बाद ही हम लोगों ने स्प्लिट करने का डिसाइड किया, क्योंकि कुछ आपस में हम लोगों को लग रहा था हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे जितना और हमें करना चाहिए, हम अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे थे एंड वो पार्टनरशिप स्टेग्नेंट हो गई थी ऐसा हमें लगा। तो उसके बाद पार्टनरशिप चेंज किया और अभी रिसेंटली कुछ टूर्नामेंट मैंने बीच में सुमित रेड्डी के साथ खेले हैं, 3 टूर्नामेंट, बट उनके बाद अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो गया कोरोना की वजह से। जी जी, तो थोड़ा सा मैं पर्सनल लाइफ में आऊंगा आपकी, क्योंकि एक प्लेयर के बनने में शायद एक पर्सनल सपोर्ट, जो फैमिली सपोर्ट हम जिसको कहते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो जैसे आपने फादर के बारे में बताया, वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो थोड़ा सा मदर के बारे में बताइए और कैसा सपोर्ट रहा थ्रू आउट जब से आपने सोचा या खेलना शुरू किया बैडमिंटन स्पेशली? नहीं, तो मेरी मदर एक अभी डीन है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्नागर में, तो वो स्टार्टिंग से टीचिंग प्रोफेशन में ही रही है एंड मेरी फैमिली का डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। जैसे बचपन में मेरे अंडर 15 के दिनों तक, जब तक मैं 14 साल की थी, मेरी मम्मी मेरे साथ हर टूर्नामेंट में ट्रैवल करती थी, तो साथ साथ लेके जाना, मेरे हर मैच हारने के बाद मुझे संभालना, थोड़ा कंसोल करना क्योंकि मैं रो रही होती थी, तो बहुत ज्यादा उन्होंने मेरे साथ किया। उसके बाद जब उन्हें लगा थोड़ी मैं और मच्योर हो गई हूँ, तो तब से मैं खुद ट्रैवल कर रही हूँ। उसके अलावा भी जैसे मेरी क्लास 10th में मैंने बताया था मेरा CGPA 10 आया था, तो मेरी फैमिली में सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं और मैं भी साइंस लेने वाली थी, बट फिर मेरे फादर ने बोला कि साइंस मत लो तुम, उसके साथ साथ बैडमिंटन नहीं खेल पाओगी, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो मेरे फादर ने ही उल्टा मुझे इनकरेज किया कि मैं ह्यूमैनिटीज साइड जाऊँ, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स लूँ जिनको मैं खेलने के साथ साथ मैनेज कर पाऊंगी। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज थी अपने आप में, क्योंकि मेरे फादर ने ही ऐसा मुझे बोला, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं साइंस के अलावा भी कोई सब्जेक्ट ले सकती हूँ एंड उसकी वजह से ही मैं शायद खेल भी पाई आगे भी। कुहूगर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुहूगर अगर कुहूगर ना होती, द कुहूगर मतलब बैडमिंटन प्लेयर ना होती, तो किस फील्ड में होती है और क्या कर रही होती है? मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली में, जैसे मैंने बोला, सब इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने भी मोस्टली इंजीनियरिंग जैसा ही कुछ लिया होता, बट उसके साथ साथ डेफिनेटली मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ करूं। तो वो मुझे अभी भी लगता है कि इवन एज एन एथलीट या आगे जाके मुझे उससे रिलेटेड कुछ करना बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मुझे ऐसा भी लगता है मैं अपने फादर की तरह UPSC या किसी ऐसे प्रोफेशन में फॉलो करने की कोशिश करती। जी बिल्कुल ठीक है आपने। तो आपकी फ्रेंड्स लाइफ कैसी है, आप कैसे हैंग आउट करती हैं या कैसे थोड़ा सा अपने आप को चिल रखने के? एक्चुअली जैसा हमने आपने वो एक एनवायरनमेंट होता नहीं कि 24 घंटे आप अगर बैडमिंटन ही सोचेंगे तो बाकी हाँ वो नहीं बहुत वो भी नेगेटिव हो जाता है। हाँ, बट जैसे हम आपने पहले भी बोला कि प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेफिनेटली मेरी स्कूल और कॉलेज लाइफ में तो मैंने सिर्फ दो ही चीजों को प्रायोरिटी दी, एक बैडमिंटन और एक पढ़ाई, और इसी वजह से शायद मैं दोनों बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाई कि दोनों में मैंने काफी डिसेंटली परफॉर्म किया है। बट डेफिनेटली फ्रेंड्स भी मेरे काफी थे स्कूल में और उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे स्कूल में कोप अप करने के लिए भी, सिर्फ फ्रेंड्स की वजह से ही मैं कोप अप कर पाई। बिल्कुल, नोट्स तैयार करते होंगे आपके लिए। उनके नोट्स वो शेयर करते थे मेरे साथ, कब टेस्ट हो रहे हैं, कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं, किसके लिए कैसे पढ़ना है, सब चीजों में फ्रेंड्स ने ही हेल्प करी है, तो उससे बहुत मदद हुई, उससे मेरे लिए सब कुछ बहुत ईजी हो गया। और उसके अलावा बैडमिंटन सर्किट में भी काफी फ्रेंड्स बने क्योंकि हम उनके साथ इतना ट्रैवल करते हैं, बाहर टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, तो उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है डेफिनेटली, तो काफी उनके साथ करा है। जैसे कि अभी हमने डाइट के बारे में बात करी थी आपकी, तो आपको खाने पीने का शौक है? हाँ, मुझे शौक तो काफी है, क्योंकि मैं यंग एज में खाना पीना, क्योंकि अगर आप प्लेयर बन जाते हैं तो फिर आप एक खाने पीने से आपको दूरी रखनी पड़ेगी, खास करके जो हमें पसंद होता है। हाँ, एक्चुअली मैं जैसे मैंने बोला वेजिटेरियन हूँ, बट डेफिनेटली मुझे लकीली मीठे का उतना ज्यादा शौक नहीं है, बाकी मुझे मेरे ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है क्योंकि मेरा उस तरीके से वेट भी काफी ठीक साइड पे है। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे वेट लॉस का कोई टारगेट है या कुछ भी, तो मेरा मेन टारगेट हमेशा मसल गेन का रहता है, तो उसके लिए मुझे अपना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पे मेनली फोकस करना होता है कि वो सही क्वांटिटी में। डेफिनेटली वंस अ वीक तो चीट डे बनता ही है, संडेज को जब छुट्टी होती है तो हम लोग बाहर जाके मूवीज के लिए जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं, तो चीट डे तो वंस इन अ व्हाइल बनता ही है। जी बिल्कुल। तो फिर इसके साथ साथ जैसे आप टूर्नामेंट्स के लिए विजिट करती है, तो घूमने फिरने का भी शौक होगा? हाँ, कोई फेवरेट जगह, कोई ऐसी जगह जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो?
और हाँ, आपको इतर खेलने के अलावा कि हाँ यार यहाँ मैं वैसे भी आना चाहूंगी कभी हाँ, अपने में। तो एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज अब विजिट कर चुकी हूँ टूर्नामेंट्स की वजह से, और उनमें से मेरी फेवरेट ट्रिप आइसलैंड की थी। अच्छा। तो आइसलैंड बहुत ही बाकी जगह से अलग है, बिल्कुल वहाँ का लैंडस्केप अलग है, बहुत ही सुंदर था। एंड हम लोगों को 2 दिन मिले थे कि हम थोड़ा मैच, वहां पे हम जीते भी थे टूर्नामेंट, तो उसके बाद हमें थोड़ा टाइम मिला कि हम जाके घूम भी पाए आइसलैंड। और मुझे डेफिनेटली बहुत ऐसी चाहत थी कि मैं वापस आके सिर्फ एक बार घूमने के लिए आऊँ और टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और आपकी हॉबीज कुछ? और हॉबीज क्या मैं पेंटिंग करना पसंद करती हैं, फेवरेट हाँ, टाइम पास मैं है जो जैसे होता थोड़ा है? पेंटिंग करती हूँ मेरे फ्री टाइम में, बाकी नहीं तो सिंगिंग और डांसिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, यही सब है हॉबीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक एक सवाल मेरा उत्तराखंड से रिलेटेड था आपसे कि उत्तराखंड को आप रिप्रेजेंट करती हैं नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सिनारियो है, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट है और क्या उत्तराखंड बदलाव में आज आ रहा है, हाँ, जैसा मैंने देखा है उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है हमारे जूनियर खास प्लेयर्स करके गर्ल्स को। के रिस्पेक्ट में अगर हम कहें। हाँ, जैसे हम स्पेशली अगर अपने जूनियर प्लेयर्स को देखें तो उत्तराखंड में टैलेंट बहुत है हमारे, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लड़कियां भी, उन्नति बिष्ट, अदिति अदिति भट्ट, और बॉयज़ में भी जैसे अंडर 13 नेशनल चैंपियन हमारा देहरादून से है अंश नेगी, तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है। और जैसे DK सेन सर पहले हम लोगों के कोच थे, तो उन्होंने भी काफ़ी वर्क करा है हम सब पे, और डेफिनेटली हम सबको पहाड़ों में ट्रेनिंग करने का एक अलग ही एडवांटेज मिलता है कि हमारी अपने आप ही फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थोड़ी होती सी एक है, एज एंड्योरेंस होता है, बेटर होती एंड्योरेंस है बेटर होता है हिल बिल्कुल। रनिंग कर करके ये सब, तो वो एडवांटेज भी बहुत है। और हमारी गवर्नमेंट भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करती है, जैसे मुझे CM सर ने फेलिसिटेट किया हुआ है उनके साइड से, वो बहुत मोटिवेटिंग होता है जब वो खुद से मिलके आपको ऐसे फेलिसिटेट करें, आपको शाबाशी दें। फिर हमारी एसोसिएशन जो स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन है, उसने भी बहुत वर्क करा है, उन लोगों ने हम लोगों को कैंप्स के लिए इंडोनेशिया, कभी थाईलैंड, अलग अलग जगह वो लोग भेजते रहते हैं कि बच्चों को बेस्ट एक्सपोजर मिले और बेस्ट वो लोग सीख पाए। अभी यहाँ पे उत्तराखंड में अनफॉर्चुनेटली बहुत कोई बड़ी अच्छी अकेडमी नहीं है, छोटी छोटी अकेडमीज हैं बहुत सारी, बट हम लोगों को जो जरूरत है वो ये है कि एक अच्छा बड़ा हॉल, एक तो क्योंकि यहाँ पे जब टूर्नामेंट कराते हैं, क्योंकि 3 कोर्ट से ज्यादा कहीं पे कोर्ट्स नहीं है, और टूर्नामेंट के लिए आपको 6-7 कोर्ट मिनिमम चाहिए होता है, तो अलग अलग हॉल्स में कराना पड़ता है, और वो बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको एक से दूसरे हॉल ट्रैवल करना है, एक मैच इधर है एक उधर। तो एक हम लोगों को जरूरत है कि एक अच्छा बड़ा हॉल आए जहाँ पे 6-7 कोर्ट हो मिनिमम, जो कि शायद अब नया परेड ग्राउंड में बन रहा है एक बड़ा हॉल, जी, उस तरीके से एक अच्छी अकेडमी इस्टेब्लिश हो जहाँ पे हमारा फिटनेस का भी सब कुछ है। एक आपको एक ट्रेनिंग सेंटर में एक सब कुछ चाहिए होता है, आपका फिजिकल फिटनेस के लिए जिम चाहिए, थोड़ा ग्राउंड चाहिए रनिंग वगैरह के लिए, स्विमिंग पूल चाहिए रिकवरी सेशंस के लिए, तो इस तरीके का कोई सेंटर है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, अच्छे कोचेज हैं, उस सब की जरूरत है। जी जैसे रिसेंटली हमारी एसोसिएशन ने कैंप भी होस्ट किया था, उन्होंने इंडोनेशियन कोच को बुलाया था उसमें, उन्होंने फिटनेस के लिए एक प्रोफेशनल को बुलाया था, तो वो सब बहुत हेल्प करता है। अगर इसी तरीके का कुछ परमानेंट हो जाए तो उससे और भी बहुत होगा, और भी बहुत बच्चे आ सकते हैं आगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतलब थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होगा, वैसे तो अच्छा कर हाँ, ही रहे मतलब हैं। कर ही रहे, बहुत हमारी एसोसिएशन पहले से कर रही है, बट हमारी एक तो स्टेट उतनी नई स्टेट है अभी भी, धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बस एक अच्छा सेंटर यहाँ पे भी बन जाए तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि बच्चों को फिर घर से दूर जाकर करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स का इंकरेजमेंट और आ जाता है, फिर एसोसिएशन भी उन्हें फंडिंग दे सकती है, तो उनके लिए इजियर हो जाता है सब कुछ, जी, तो एक यहीं पे हो तो जाना एक चाहिए। मेरा सवाल आपसे है अपकमिंग टैलेंट्स के लिए खास करके, क्योंकि देखिए खेलते तो सभी हैं, बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन एक नेशनल प्लेयर बनना और नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर के बाद एक लेजेंड में कन्वर्ट होना, तो वो एक जो जर्नी है, वो एक जो डिस्टेंस रह जाता है ओलंपिक मेडल से और नेशनल मेडल के हाँ बीच में, हाँ खास करके अपकमिंग टैलेंट्स के लिए जो कि अब खेलना शुरू कर रहे हैं, ताकि वो उस रीच तक पहुंचे, उस पीक तक पहुंचे कि हमारे टैलेंट्स हमारे लिए मेडल्स लेके आए, तो हाँ उसके लिए कोई खास आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मेरे हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप हर प्लेयर के स्पेसिफिकली उस प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल प्लान करें, वेदर कि इस प्लेयर को किस चीज की जरूरत है। हो सकता है कोई नेचुरली बहुत स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो, बट एंड्योरेंस नहीं हो, तो उसके लिए आप एंड्योरेंस पे वर्क करेंगे। हो सकता है किसी का उल्टा हो कि उसकी स्ट्रेंथ कम है,
तो आपको एक तो बहुत प्लेयर स्पेसिफिक थोड़ा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि किस बंदे की क्या वीकनेसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली. और ऑल्सो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बचपन से ही वो एक डिसिप्लिन रहे, हार्डवर्क करें और डिसिप्लिन रहे. मस्ती तो साथ साथ चलती ही रहेगी, बट एक बार तुम अपने ट्रेनिंग में या कोर्ट पे एंटर करो तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोर्ट के अंदर वो मस्ती नहीं करनी चाहिए. अपने हर सेशन को में टारगेट होना चाहिए कि आज मैं ये चीज इंप्रूव करना चाहता हूँ. और अगर आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके चलोगे तो फिर एक दिन आपका जो एक बड़ा मेन टारगेट ओलंपिक का होता है वो भी आई एम श्योर पूरा होगा. मैं भी अभी जैसे ओलंपिक के टारगेट को ही परस्यू कर रही हूँ, मैं भी उसी के पीछे हूँ. तो ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट अपने क्योंकि सबका सेट अल्टीमेट गोल तो है सबका. हाँ एक्सेल. एग्जैक्टली. तो अभी बिल्कुल. छोटे छोटे अपने टारगेट सेट करने हैं, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, उन पे वर्क करना है. तो डेफिनेटली आपका आपको हर दिन अपना गोल एक स्टेप आप उसके नजदीक जाते रहोगे. चलिए कुहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद. क्योंकि समय की कमी के कारण हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप फिर हमारे स्टूडियो आएंगी. थैंक आपसे फिर यू. डिस्कशन हुआ और इतना हेल्दी डिस्कशन हुआ कि लगता है कि इसको सुनने के बाद कई प्रतिभाएं अपने आप पे ऊपर काम करेंगी, डाइट के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, और एक स्केड्यूल को फॉलो करेंगे ताकि जो पर्सनैलिटीज हैं स्पोर्ट्स वाली वो आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करे. तो कुहू बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक मन यू तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करें, समय की कमी के हाँ कारण आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है. धन्यवाद.